टीवी 9 पर नीतीश की नई सरकार का फॉर्मूला, बिहार में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, जो कि आमोद बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से भी खबर मिल रही है। एक और बड़ी खबर भी मिल रही है बिहार की सियासत में जुड़ी हुई, जेडीयू। और बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। देखिए, इसके बाद अब यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ कहने को बचता नहीं है। 28 जनवरी को होने वाली महाराणा प्रताप रैली रद्द कर दी, झारखंड की रैली नीतीश कुमार ने रद्द कर दी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नहीं जा रहे हैं, टीवी 9 पर नीतीश की नई सरकार का फॉर्मूला भी हम आपको बता रहे हैं, 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं जिसमें एक सुशील मोदी का नाम आ ही रहा है बीजेपी की तरफ से, नीतीश कुमार सीएम होंगे। और अब ये लगभग तय हो चुका है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा झटका न केवल बिहार की पॉलिटिक्स में जो महागठबंधन है उसको, लेकिन इंडिया को भी बहुत बड़ा झटका नीतीश कुमार के वहां से बाहर होने से, क्योंकि नीतीश कुमार ही वो हैं जिन्होंने इंडिया के लिए सबसे पहले मेहनत की, सबसे पहली बैठक पटना में हुई, और विपक्षी दलों से जेडीयू का बाहर होना, यानी ये बहुत बड़ा झटका बंगाल और पंजाब के बाद इंडिया के लिए। जी हाँ, बहुत बड़ा झटका भी है। और इससे पहले इंडिया अलायंस की बिहार में भी बैठक हो चुकी है, पटना में भी बैठक हो चुकी है, नीतीश कुमार उसकी अगुवाई करते हुए भी दिखे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है। रूपेश, क्या नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद ही अब साफ होगी चीजें और आगे बढ़ेगी सत्ता की तरफ, सत्ता परिवर्तन की तरफ? देखिए, दो बातें इसमें बेहद अहम हैं कि नीतीश कुमार क्या चाहते थे और भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती थी। नीतीश कुमार चाहते थे कि अगर उनकी पार्टी पर लालू प्रसाद यादव की नज़र उनके कुछ विधायकों पर है, उनके विधायकों के टूट की संभावना बनती है, तो उस संभावना को बंद कर दिया जाए और विधानसभा को भंग कर दिया जाए और लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका तर्क है कि 2025 तक के लिए जनता ने मैंडेट दिया था, बीच में आप आरजेडी के साथ चले गए, लिहाजा 2025 तक फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चले और लगभग वैसे ही चले जैसे 2020 के बाद से चलती आई है। फिर 2025 में अपने तय समय पर जो विधानसभा के चुनाव होंगे, ठीक है। रुपेश, देखिए, इस बीच एक बहुत बड़ी तस्वीर भी आ रही है। एक तो खबर यह है कि जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है। अब जेडीयू, इससे पहले बीजेपी के बारे में खबर आ रही थी कि बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है, लेकिन इसी बीच जेडीयू ने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है। रुपेश, इस बारे में क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल, बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को पटना बुला लिया है और जेडीयू ने भी, बीजेपी ने भी, दोनों पार्टियों ने अपने तमाम विधायकों को पटना बुला लिया है। आरजेडी ने भी कहा है कि अपने सारे विधायक उनके पटना में ही रहें। जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि उनके चारों विधायक जो है खुद विधायक हैं और बाकी 3 विधायक भी उनके पटना में रहें। जीतन राम मांझी ने हामी भर दी है, उपेंद्र कुशवाहा ने हामी भर दी है, चिराग पासवान के पास अभी मैं गया था, चिराग पासवान ने भी एक तरह से सहमति दे दी है कि जो कुछ हो रहा है वो राज्य हित में हो रहा है और वो भी जो फैसला लेंगे वो राज्य हित में लेंगे। ठीक है, रुपेश, आप हमारे साथ रहिए। मैं एक तस्वीर जिसका जिक्र करना चाह रहा था वो तस्वीर यहाँ पर, अच्छा देखिए, एक बड़ी खबर और आ रही है, जेडीयू ने सभी विधायकों को पटना बुलाया तो हम बता रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर मैं दिखाना चाह रहा हूँ, और तस्वीर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर्तव्य पथ पर यहाँ जो मौजूद दर्शक हैं उनसे वहां पर हाथ हिलाकर उनके साथ उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। इसी बीच एक बड़ी खबर, गौरव, एक बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू ने सभी विधायकों को पटना बुलाया है और बीजेपी ने भी बुलाया है, ये भी है, लेकिन बिहार बीजेपी के जो प्रभारी हैं वो कल पटना जाएंगे। एक और बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी ने भी सभी विधायकों को पटना बुलाया है। देखिए, बहुत ज्यादा हलचल बढ़ गई है बिहार की सियासत में, ये पॉलिटिक्स में बड़ा उलटफेर है बिहार की पॉलिटिक्स में, और सभी को बुलाया गया है पटना बीजेपी की ओर से और जेडीयू की ओर से। बिहार के जो बीजेपी प्रभारी हैं वो कल पटना जाएंगे। आमोद और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। आमोद, अब तक और क्या खबरें मिल रही हैं दिल्ली से, और ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के सभी जो विधायक हैं वो पटना पहुंचेंगे, बीजेपी ने सभी जिला अध्यक्षों को भी पटना बुलाया है? बिल्कुल, देखिए, बिहार में बीजेपी ने पहले एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव की बैठक बुला ली है कल, उसके बाद विधानमंडल दल की बैठक भी शाम में हो सकती है, इसलिए सारे विधायकों को पटना में बुलाया गया है। और कल बिहार के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े, वो पटना जा रहे हैं सुबह की फ्लाइट से, और वहाँ पे पहले वो कार्यकारिणी की बैठक में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी कि कैसे नीतीश कुमार के साथ जाना पार्टी के हित में है, क्योंकि जब से नीतीश कुमार से बीजेपी दूर हुई थी तो कार्यकर्ता के मन में
कटुता का विचार उनके प्रति आ गया था, उसको सॉफ्टन किया जाएगा और उसके बाद सारे कार्यकर्ताओं में एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। अमोद, ये कितना बड़ा सहयोग है, देखिए विनोद तावड़े बिहार बीजेपी के प्रभारी भी हैं और विनोद तावड़े उस टीम को भी लीड कर रहे हैं जिसको बाहर से दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं के लिए बनाया गया है कोऑर्डिनेशन के लिए। ये देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर और आ रही है चिराग पासवान से जुड़ी हुई। चिराग पासवान, बिहार की इस सियासी हलचल पर उनका रिएक्शन सामने आ गया है। बिहार में सियासी उलटफेर निश्चित है, ये कहा है एलजेपी आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने टीवी 9 से बात करते हुए। उलटफेर की चर्चाओं में दम है, ये कहा चिराग पासवान ने, सुनिए। चिराग जी, क्या होने वाला है? इस सवाल के जवाब पिछले एक सप्ताह से सब ढूंढना चाहते हैं कि आखिर बिहार की सियासत में क्या होने वाला है, कुछ अंदाजा है आपको? देखिए, अंदाजे तो कई हैं और चर्चाएं भी कई संभावित परिस्थितियों को लेकर चल रही है, गठबंधन के भीतर भी चल रही है, मीडिया के माध्यम से भी कई जानकारी हम लोग के पास आ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक पैनी नज़र इन तमाम परिस्थितियों पर रखे हुए है और मुझे लगता है कि जैसे ही परिस्थितियां क्लियर आउट होंगी, एक स्थिरता आएगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अपना रुख स्पष्ट तौर पर रखेगी। क्यों अभी ये स्पष्टता में झिझक किस बात की है? अगर नीतीश कुमार एनडीए की तरफ आते हैं तो आपकी स्वीकार्यता? बहुत अगर मगर से उलझा हुआ ये प्रश्न है, मुझे लगता है कि कोई आधार नहीं होगा इनके जवाबों का। एक बार परिस्थितियां क्लियर आउट होती हैं, सिचुएशंस क्लियर होती हैं, गठबंधन के भीतर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा घटक दल है, वो चीज़ों को अभी इवैल्यूएट कर रही है, उनका इवैल्यूएशन क्लियर होता है गठबंधन के भीतर, उस बदले हुई परिस्थितियों को रखा जाएगा, उस पर पार्टी अपना इवैल्यूएशन करेगी। मुझे लगता है इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कुछ दिनों में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी आसमान को आपने सुना कि उलटफेर से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन दो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। एक तरफ तो गणतंत्र दिवस का जश्न है तो दूसरी तरफ सियासत की बहुत बड़ी तस्वीर है जिसमें गणतंत्र दिवस समारोह में दूर दूर बैठे नजर आए हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। ये देखिए, ये तस्वीर बताती है कि इतना दूरी कैसे हो गई जबकि साथ साथ सरकार चला रहे थे और अब तक आरजेडी की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है और राज्यपाल की विदाई के वक्त भी एक दूसरे से मुंह नहीं देखा गया दोनों की तरफ से, तेजस्वी यादव ने भी नहीं और ना नीतीश कुमार ने।